इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, श्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, डॉक्टर सुशील गुप्ता जिंदाबाद। चीज के लिए ये लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर तैयार खड़े हैं, यही इनका मेन मकसद है। और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और उसमें इन्होंने सब ने ज्वाइन किया। सर क्या कहेंगे दिन प्रतिदिन जो है आम आदमी पार्टी में और भी जो पार्टी के लोग हैं वो इस्तीफा देके जो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कारण सिर्फ साफ है, सबको पता है, व्यवस्था बदलनी है। जो ईमानदार और अच्छे लोग हैं, वे लोग आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, उनको पता है व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। 75 साल से जो लूट कसूट, जो बेईमानी ठगी देश में चल रही थी, अब वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों को पता लग चुका है कि देश के अंदर पैसे की कमी नहीं थी, कमी थी इन नियत की। इन लोगों के ने करोड़ों अरबों रुपए लूट खाए जो आम आदमी पार्टी के थे। अरविंद केजरीवाल जी ने जब से राजनीति में आए, वे राजनीति नहीं कर रहे हैं, वे समाज को बदलने के लिए आए हैं। इसलिए उन्होंने बता दिया कि समाज में पैसे की कमी नहीं है, हर आज इंसान को बड़ी असुविधा मिल सकती है। आज 10 से 15 हज़ार रुपये हर उस आदमी के बच रहे हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, जो पंजाब में रह रहे हैं। और उनको भी अब देखो नौकरियां पंजाब में एक मिनट में मिल गई ना, 35,000 नौकरियां एक झटके में ही दे दी। और वहां के सब ने सबकी जितनी भी पेंशनें थी, जितने MLA थे MP सबकी पेंशनें ख़त्म कर दी कि नहीं। तो इसीलिए आम आदमी एक व्यवस्था बदलने के लिए आई हुई है, तो व्यवस्था को बदलेगी। सर दिन प्रतिदिन जो है पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर एक महंगाई जो है वो तो जैसी बात है कि महंगी होएगा, हर सामान ही महंगा होएगा। ये तो आप सबको पता है, जो कांग्रेस का टाइम सरकार होती थी, यदि 2 रुपये भी बढ़ते थे तो ये कपड़े तार के सड़कों पर आ जाते थे। उस टाइम क्या रेट था? 55-60 रुपये। अब 100 रुपये से ऊपर चले गए हैं। सिर्फ पीछे जब इलेक्शन थे तो इन्होंने थोड़े से रेट कम किए थे, और सबको पता था इलेक्शन खत्म होते ही फिर बम फोड़ देंगे। और वही बात है, कल रामदेव जी कल तक ये कहते थे BJP की सरकार आएगी तो 30 रुपये पेट्रोल मिलेगा। अब वो रामदेव जी कहाँ चले गए? अब तो उनके दही जमगी ना उनके मुंह में, बोलते हैं क्या वे लोग? तो इसलिए महंगाई दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ रही है कि गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है। मीडियम आदमी और गरीब आदमी तो खत्म हो गया, अमीर आदमी तो चलो चला लेता है काम, पर गरीब आदमी कहाँ चलाएगा? तो इन ये सारा सिस्टम जो उनसा है ना, और BJP वाले आप देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं कि नहीं, और आम आदमी कहाँ जा रहा है। तो इसी व्यवस्था को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ हर आदमी जुड़ रहा है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि आने वाले दिन में महंगाई इतनी बढ़ रही है कि जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी को हर आदमी लाइक कर रहा है, हर आदमी इसके साथ जुड़ रहा है, छोटा बड़ा गरीब अमीर सब इसके साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखना हरियाणा में क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व लहराएगा और झंडा लहराएगा। सर दूसरे पॉलिटिशियन आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखकर, लेकिन जनता का कहना है कि आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी रही कैसे, क्योंकि इसमें तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन आ रहे हैं। ऐसे है भाई मेरे, आने को सब आएंगे, किसी को मना नहीं कर सकते हम लोग, सब आएंगे। कुनबा बढ़ रहा है ना जी, घट तो नहीं रहा। जब टिकटों का टाइम आएगा तब पता चलेगा ना जी, किसको टिकट मिली किसको नहीं मिली। आम आदमी को टिकट पंजाब के अंदर आपने देखा ना, किनको मिली टिकट? जो कार्यकर्ता थे, जो ईमानदार थे, उन लोगों को टिकट दी। और बड़े बड़े स्तंभ जो उनसे कहते थे हजारों साल से अपनी खुंटी टांग के बैठे हुए थे भी हमारा राज चलेगा, एक आम आदमी ने उनको तार के नीचे फेंक दिया। तो हरियाणा में भी ऐसे ही होगा, ऐसे चिंता मत करो, आने को सब आएंगे, हम किसी को रोक नहीं सकते। आम आदमी पार्टी एक पार्टी आम ही रहेगी, खास नहीं, कभी भी नहीं बनने की, चाहे कोई भी आ जाए। तो क्या लगता है कि आम हर शख्स को दिल्ली में जो सुविधाएं केजरीवाल जी दे रहे हैं, आने वाले समय में पंजाब में और हरियाणा में अगर आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो वो सुविधाएं यहाँ के जिला वासियों को मिलेगी? सर मैं आपको मैडम ये बता देना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के अंदर सुविधा है ना, वहाँ तो 25% सरकार है तब इतनी सुविधा है, यहाँ तो पूरी सरकार बन जानी है, उससे ज़्यादा सुविधा मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बीमारी के ऊपर हर औरत के लिए खर्चा पहले से ज़्यादा मिलेगा, पेंशनें सबसे ज़्यादा देंगे, हर चीज़ मतलब बढ़िया से बढ़िया होगी, आप सोच भी नहीं सकते।
उन्होंने घर से नहीं दे रहे हैं, वे व्यवस्था को बदल रहे, सिस्टम में ला रहे हैं। अब 1 करोड़ का पुल बनना होता है, 1 करोड़ का जो पुल बनता है ना, पैसे कितने लगते हैं, 10 लाख, 90 लाख रुपये ये खा जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी वही तो बचा रहे हैं, जब वे बच जाते हैं तो बचने में क्या आता है, 90 लाख रुपये बच के जनता में तो आते हैं, जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, सिस्टम ये बदल रहे हैं। तो सर ये आम आदमी पार्टी तो रह नहीं गई, दूसरी पार्टी के व्यक्ति जो छोड़ के इस पार्टी में शामिल हो रहे, चाहे वो डॉक्टर अशोक तंवर जी लगा ले, चाहे कोई भी पूर्व मंत्री लगा ले, तो आप फिर जनता को अपने पक्ष में कैसे करेंगे? जनता को ये कहती है कि आम आदमी पार्टी रह नहीं गई, ये तो पॉलिटिशियन पार्टी बन गई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, ये आप लोगों की सोच गलत है। आम आदमी पार्टी है कि वही, फिर मैंने आपको फिर दोबारा वही कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी हुई है, इसके अंदर आने से किसी को कोई मना नहीं है, सब आओ अपना। यदि आप गलत काम करोगे तो बाहर निकल जाओगे, और यदि सही चलोगे, कार्यकर्ता के तौर पे काम करेंगे तो ठीक है, यदि कार्यकर्ता के तौर से नहीं काम करेंगे तो उनका भी आशर वही होना है। आम आदमी पार्टी रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का एक ही कहना है, इस पार्टी में जो भी आता है ना, सेवा के लिए आना, टिकट की चाह में और उसकी चाह में कभी मत आना। टिकट उस आदमी को मिलेगी जो ईमानदार होगा, जिस पर कोई दाग नहीं होगा, और जो कार्यकर्ता होगा, जो काम करेगा, फील्ड में बैठ के फील्ड में चलेगा, ना कि ये नहीं है अभी आसमान से टपक के करोड़ों रुपए दे के जो लोग टिकट लाते हैं ना, कांग्रेस और बीजेपी हो, तो वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पे तो कार्यकर्ता को मिलती है। चाहे कार्यकर्ता आप पंजाब में देख लो, मोबाइल वाले ने चीफ मिनिस्टर को हराया ना, एक की माँ स्कूल में चपरासी का काम करती थी, उसने भी चीफ मिनिस्टर को हराया या नहीं हराया? फिर आप ये कैसे कह सकते हो ये खास है? खास नहीं है, ये आम पार्टी है, आराम ही रहेगी, आने को सब आएंगे, सबका स्वागत है, इलेक्शन भी लड़ने हैं हमने, इलेक्शन जीतने भी तो हैं, तभी जीते जाएंगे ना। पर इलेक्शन के अंदर टिकट उसी आदमी को मिलेगी जो ईमानदार होगा, हर चीज़ उसकी चेक होगी, ये नहीं है एक दिन की चेक होगी, पिछले 20 साल का उसका डाटा उठाया जाता है, 20 साल का डाटा उठाया जाएगा, और समाज से पूछा जाएगा, जिस एरिया से वो इलेक्शन लड़ना चाहता है वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा, उसका सर्वे होंगे, एक एक बार नहीं, 10-10 बार, यदि उसका नंबर आएगा तब उसको टिकट मिलेगी, ये नहीं है अभी वैसे ही टिकट मिल जाए, इसलिए ये आम आदमी पार्टी है, खास नहीं है। लक्ष्मण सर, दोबारा से एक बार फिर से हमने आम आदमी पार्टी में अपने पैर पसारे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम एक्चुअल ये पार्टी जो है मेरी किस्म की घर वापसी है, ऑलरेडी हम शुरू से ही अन्ना आंदोलन से ही इस पार्टी से जुड़े रहे हैं और पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो एक कसक सी रहती थी, क्योंकि जहाँ मैं था पहले वहाँ पर ना तो पार्टी का संगठन था ना कुछ था, बल्कि एज ए वर्कर हम लोग काम कर रहे थे, तो महसूस हुआ कि नहीं, आज जो फिर से ज़रूरत है हमारी यमुनानगर के लोगों को, तो इसलिए ज्वाइन किया हमने फिर से। और बाकी हमारे जो साथी हैं, बड़े सीनियर सब लीडर्स हैं हमारे साथ में, हम तो अदने से कार्यकर्ता हैं, जहाँ भी ये चाहेंगे एडजस्ट करेंगे, हम इनके साथ हैं, नो प्रॉब्लम। तो सर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि घर में दोबारा से वापसी हुई है, तो घर से जाने का भी कोई रीज़न, कोई कारण रहा होगा? कोई रीज़न रहते हैं, छुटपुट रीज़न होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा ठेस सी लगती है मन को, वो रीज़न वो अब दूर हो चुके हैं, तो अब कोई समस्या नहीं है। और अब भी ये भी मन है कि अब ऐसे छोटे छोटे जो कारण रहेंगे तो उनको इग्नोर करके ही चलेंगे, तभी समाज में हम आगे बढ़ सकते हैं और आम लोग जो हैं उनको साथ लेके चल सकते हैं। तो सर पार्टी तो और भी है, नेशनल पार्टी की अगर हम बात करें, बीजेपी भी है और अपना कांग्रेस पार्टी भी है, तो किसी ने उन पार्टियों में जाने का सुझाव नहीं दिया, या आपके खुद के मन में आया हो कि वो पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? नहीं, एक्चुअल ये पार्टी हमारे खुद की बनाई हुई पार्टी है, 2012 से हम लोग फाउंडर मेंबर थे और लोकसभा चुनावों तक 19 तक हम इस पार्टी में काम किया है, तो फिर एक रहता ही है कि नहीं ये घर की पार्टी है। फिर नेशनल पार्टीज जो हैं वो नेशनल पार्टियों के हाल सिर्फ आज एक बीजेपी की आप बात कर सकते हैं कि जिसके पास एक संगठन है, तो ऐसी बात नहीं है। यमुनानगर की जो आम आदमी पार्टी है इसके पास बहुत अच्छा संगठन है, पहले से ही तैयार हैं लोग, आज एक हजूम का हजूम आ रहा है आम आदमी पार्टी में, जहाँ भी मीटिंग्स हो रही है हम मीटिंग्स ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं हर मोहल्लों में लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे मोहल्लों से भी निकल के लोग आ रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो संगठन तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये पार्टी भी आम आदमी पार्टी जो है वो एक नेशनल पार्टी बन जानी है, अभी लास्ट ईयर इलेक्शन से आप देख लेना कि हाँ भाई कांग्रेस के जो 2 स्टेट हैं वो भी साफ हो जाएंगे, तो आम आदमी पार्टी जो है वो एक नेशनल पार्टी तो हो ही चुकी है, क्योंकि जिस पार्टी के जो 2 स्टेटों में आ चुका है, गोवा में हम लोग 2 सीट जीत चुके हैं, हिमाचल में हम अच्छा करने जा रहे हैं, गुजरात में शायद बहुत अच्छी सरकार है, तो ऐसे सब जगह पे ऐसे हमारे लोग आ रहे हैं।
तो सर उत्तर प्रदेश में तो एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश ठीक है, वीकनेस रही है, पर उसके लिए भी ऐसी कोई बात नहीं है। उस गठन वहाँ भी अब तैयार होगा, जब पंजाब में आ रहे हैं, पंजाब को देख के आप देखेंगे हरियाणा में कितने हजूम के हजूम आने को तैयार हो रहा है। तो ऐसी धीरे धीरे, क्योंकि वो इकट्ठा इलेक्शन था, इस वजह से वो इफेक्ट ना पड़ा हो, पर अब जो है आने वाले दिनों में जो पार्टी अच्छा करेगी तो नेचुरली इफेक्ट्स बाकी स्टेटों पे भी पड़ेगा। तो सर बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी पार्टी में, अगर हम नेशनल पार्टी की बात करें तो उसमें भी बहुत लंबा समय उन लोगों ने संघर्ष किया है, लेकिन जो मान सम्मान की उम्मीद रखी उन्होंने वो शायद नहीं मिला, तो शायद इसी वजह से आज वो जो है आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, क्या लगता है यही कारण है? कुछ ये भी कारण रहता है, कुछ अपने पॉलिटिकल मोटो, कुछ पॉलिटिकल मोटोज भी रहते हैं, तो ये भी होता है, सबके अपने अपने रीजंस हैं, क्या क्या कहा जाए। तो क्या लगता है इन सब चीज़ों को देखते हुए जनता दोबारा से आम आदमी पार्टी में विश्वास दिखाएगी? बिल्कुल, जनता आम आदमी पार्टी में विश्वास दिखाएगी। अब क्योंकि आप देखें कि लीडर्स जो हैं दूसरी पार्टियों से पंजाब में भी आए, तो पार्टी हमारी पार्टी का ये सिद्धांत है कि जिसको भी टिकट्स देनी है तो एक उसमें ये चेक करते हैं, सर्वे होता है, सर्वे को देख के ही होता है, वो पार्टी सबसे ज़्यादा जो होती है पहले वो देखती है कि हाँ भाई आम लोग कौन है, अपने अब जो काम नहीं करेगा इस पार्टी में छटनी लग जाती है। तो सर इन सब बातों को देखते हुए जनता का ही कहना है कि जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया जा रहा है? नहीं मैडम, जनता का क्यों गुमराह हो रहा है, जनता का तो आज फायदा हो रहा है। जैसे दिल्ली में आप देखिए, अगर दिल्ली में कुछ अच्छा पार्टी ने किया तभी पंजाब में सरकार बनी है ना जी, तो वैसे ही अब हरियाणा वाले लोग भी देख रहे हैं, पंजाब की तरफ देख रहे हैं, दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, तो नेचुरली यहाँ भी अच्छा करेंगे। तो लगता है आने वाले समय में पार्टी जो है पूरी तरह से मतलब ताकत के साथ उतरने के लिए तैयार है मैदान में? आने वाले समय के हमारे जो पीएम जो है केजरीवाल बनेंगे ये क्लियर है, तो पार्टी अच्छा करेगी। तो सर हरियाणा वासियों कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? हाँ बिल्कुल, हरियाणा वासियों से यही मैसेज है कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और इसी में ही उनका भविष्य जो नियत है, क्योंकि वो बाकी जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनको देख चुके हैं, रीजनल पार्टी को भी देख चुके हैं कहीं, तो अब आम आदमी पार्टी जो है वही एक सहारा है लोगों का, लोग एक आस के साथ देख रहे हैं इस पार्टी को।